अयोध्या राम मंदिर की नींव में 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल दफनाएंगे पीएम मोदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल वायरल करंट में। जाहिर सी बात है, आपके मन में सवाल तो बहुत पनप रहे होंगे कि आखिर क्या होता है ये टाइम कैप्सूल और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज के वीडियो में इस रहस्य से जुड़ी हर बात मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए बोलती हूँ आपको कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में कहीं ना जाएं। आखिर क्या है ये टाइम कैप्सूल? दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। ये हर तरह के मौसम का सामना कर सकता है। आमतौर पर भविष्य में लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे इतिहासकारों को स्टडी में मदद मिलती है। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बर्गोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल निकला था। ये ईसा मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के भीतर 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारियां। 200 फीट गहराई की मिट्टी का सैंपल लिया गया था। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट निखिल सोमपुरा ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। 200 मीटर गहराई की मिट्टी का सैंपल लिया गया, जिसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक NLT कंपनी नींव की खुदाई शुरू कर देगी। नींव की गहराई कितनी होगी, ये रिपोर्ट आने के बाद तय होगा। मंदिर का प्लेटफॉर्म 12 फीट से 15 फीट के बीच रहने की चर्चा है। आपको बता दूं कि अयोध्या में राम मंदिर का इतिहास हजारों साल तक रहे, इसके लिए मंदिर के गर्भगृह की 200 फीट गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इसमें मंदिर की पूरी डिटेल होगी, ताकि भविष्य में जन्मभूमि और राम मंदिर का इतिहास देखा जा सके और कोई विवाद ना हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने ये जानकारी दी। 3 अगस्त से शुरू होगा अनुष्ठान। बिहार के रहने वाले कामेश्वर चौपाल ने 9 नवंबर 1948 को अयोध्या में राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी थी। तभी से मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इससे पहले 3 अगस्त से वैदिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन समारोह का दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट भी होगा। इंदिरा गांधी ने रखा था पहली बार टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल का विदेशों में खूब चलन है। भारत में पहली बार इसे 15 अगस्त 1973 में इस्तेमाल किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पहली बार लाल किले के सामने जमीन के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा था। आजादी की 25वीं सालगिरह पर टाइम कैप्सूल तैयार करवाया गया, जिसमें आजादी के बाद की घटनाओं और तथ्यों से जुड़े कई कागजात रखे हुए हैं। ये बात उस वक्त की अखबारों की सुर्खियां बनी थी। इस पर इंदिरा गांधी के खिलाफ विवाद भी हुआ था। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के वफादारों की एक टीम बनाई थी। इंदिरा गांधी के आदेश पर 10,000 शब्दों का एक लेख लिखा गया था, जिसका टाइटल था इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस लेख को टाइम कैप्सूल में रख कर जमीन के नीचे डाला गया था। हालांकि कैप्सूल में इंदिरा गांधी ने क्या जानकारी दी थी, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि टाइम कैप्सूल से जुड़ी सारी अहम रहस्य आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।